तो गाइस पिछली वीडियो में जब मैंने हेयर कट कराया था अपना, तो इतने कमेंट आए कि अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे। वो तो मेरे को भी अच्छे नहीं लगे, पता नहीं कैसे काट दिए उसने। हम क्या कर सकते, दोबारा तो चिपका सकते नहीं यार। तो गाइस आज पीयूष थोड़ा बहुत गुस्सा है। फोन क्या करता है नीचे? कौन है पीयूष? बड़े मी के ऊपर गिरा हो थोड़ी देर देर से। चुप जा कह रही थी। हिला हिला हाथ मारो, कोई जा चुप जा के गिरा हो। अरे हम आ गए, आ गए यार। पहुंच में नहीं मान और चला हाथ से हमारे मी जो द फोन टू दे चबा। ए बात सुन दे, आई आई खाए मार। रोज हो रहा था गुस्सा, तू हो रहा था बेइज्जती अम्मा की कर दी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के तो हो नहीं रहे होंगे, शायद आफ्टरनून के हो रहे होंगे, 3:15 हो रहे हैं। ऐसे करते देखो। और पीयूष के हेयर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। मतलब 99% लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि बकवास हेयर है। कोई एक कमेंट आया पीयूष को उल्टा करके झाड़ू लगा लो। पीयूष को उल्टा करके झाड़ू लगा लो। कोई कह रहा चंपू लग रहा है, झंडू लग रहा है, वो मुर्गी लग रहा है। मुर्गी नहीं है। इतने मस्त मस्त कमेंट है ना, पढ़ के इतने मजा आ रहा है। आज के बाद ना ये खुद ही अब ऐसे बाल कभी नहीं कराएगा, ये खुद ही पछता रहा है बेचारा ऐसे बाल। मैं आपकी तरह रखूंगा, क्यों नहीं होंगे? तेरी चुटिया कर दूंगी, दो बड़े बड़े रख दियो यहाँ, बात दूंगी। होते ही नहीं है। ठीक है, रबड़ लगा दे। फिर उसी का करोगे, जाले निकालोगे। रबड़ लगा दे। अब उससे जाले निकालेंगे मेरे। वो घर का क्या ये बोल रहा है? उसको घर का साफ करने वाला ही बना दो। एनीवेज गाइस, काफी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपका जो स्टूडियो बनवाया है इसको कंप्लीट बनवाने में कितना खर्चा आया, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। पापा जी ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सब कुछ नोट किया है, कितना खर्चा कहाँ पे जो भी आया है। तो ये पापा जी आ रहे हैं पूरी लिस्ट लेके, तब आपको बता देंगे। और ये मैंने खुद बनवाया है अपने पैसों से, बट मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। बट आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए और अपना काम करने के लिए मुझे चाहिए था, तो मैंने बनवा ही लिया। तो क्या आपको कैसा लग रहा है वैसे? अच्छा लग रहा है। हमने नहीं बना, हमने भी तो बनाया। हाँ मतलब बाकी मजदूरी करी है, बनाया तो हमने है। पापा अम्मा ने कितना करा, हमने करा। बड़े पापा के एक लेवर के। मैं वो नहीं कह रहा यार, मैं वो नहीं कह रहा। हाँ खर्चे की कह रहा, मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा। और पापा के एक लेवर के 500 रुपए बचा दिए हम दोनों ने। 1000 रुपए बचा रखे पूरे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। छोटे मोटे में उठा ले, मोटे मोटे उठा ले। नहीं गाइस, कुत्ता हो गया यार बिल्कुल। गाइस आजकल ना इसकी नौटंकी इतनी ज्यादा हो गई है, ऐसे हंस रहा है ना, मतलब खतरनाक है। क्या हो गया तेरे को? तू वही पहले वाली बीमारी बीच में एक और। छोटी छोटी बात पे इतना ज्यादा हंस जाता है, हमको भी हंसा देता है। थप्पड़ खाने तो पापा जी आ चुके हैं सारा हिसाब किताब लेके। और रही बात फैमिली की, जैसे कि मम्मी कह रही है हमने नहीं बनवाया, तो ये बनाया तो आपने ही है। अगर मैं अगर होता तो मुझसे तो बनता ही नहीं, तो बिना फैमिली के सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं पूरा 100% क्रेडिट फैमिली को ही देता हूँ, बिकॉज फैमिली ही सबसे ज्यादा। माता जी हाँ सच्ची गाइस सच्ची, क्योंकि मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं खुद ही कह रहा हूँ। इतनी मतलब सभी ने, बड़ी भी को खुद हंसी आ गई। सभी ने मिलके इतनी मेहनत की बनाने में, मतलब इतनी मेहनत की, आपने देखा होगा व्लॉग में, मेरे को छोड़ के सबने बहुत मेहनत की। तो इनने इतना बड़ा कैमरे का बोझ उठाया, और पापा जी ने बहुत पैसे भी बचाए खुद काम करके अभी तो। अरे हाँ अम्मा ने, आपने देखा होगा अम्मा ने भी बहुत काम किया है। अम्मा आपने भी बहुत पैसे बचाए हैं। बैठी रहेगी, सबका ध्यान नहीं होगा, ईंट उठाई लुका के फेंक दिया। हाँ। हाँ।
तो अगर आपने मेरे जब स्टूडियो बन रहा तब के ब्लॉग नहीं देखे तो देख लेना, बैक में आपको काफी मजा आएगा। बहुत मस्ती की थी जब हमने बनाया था ये, तो कभी ना आया था अगर। अभी तो वैसे और भी बहुत काम बाकी है, बट धीरे धीरे हो जाएगा। क्या तो पापा जी अभी हिसाब देख रहे हैं क्या जो सीन है, फिर मैं आपको बता दूँ। और काफी लोग बाइक के बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारी बाइक नहीं आई तुमने ब्लॉग में दिखाया, तो अभी टाइम लगेगा उसमें, हफ्ता और लग जाएगा फिर आ जाएगी, क्योंकि बुक कराई है ना, वो बाहर से आती है बाइक, ऐसा तो है नहीं कोई मतलब नॉर्मल बाइक है, तो ड्यूक है तो वो अच्छे से हमको पहले बुक करानी पड़ती है, तब वो मंगाते हैं, तब 10-15 दिन में आती है। बट मैंने मंगा ली है और मैंने मतलब बुकिंग चार्जेस भी दे दिए 20K, आ जाएगी तब दिखा दूंगा मैं डिलीवरी। पीयूष के साथ जाएंगे, पीयूष सर मैं, और वैसे हिसार जाना है वैसे 25 को, तो उनसे पूछ लूंगा KTM शोरूम में जाकर। हाँ, इसकी वैक्सीन कराने जाना और योगी आइडिया लगा के, आइडिया लगभग लगभग आइडिया 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख, 4.5 से प्लस है, 4.5 से प्लस है अब तक का हिसाब किताब। उसे तो 5 हो गए पूरे, एसी वेसी सब लगा दिया। फोन आ गया, खेद है पापा जी का फोन आया। अभी फर्नीचर का काम होना है, सोफा टेबल 5 तो लगी गए, 5 से ऊपर हो गया, तो 5 लाख ऊपर, लगभग 5 लाख, लगभग 5 लाख रुपए लग गए, 60,000 का तो एसी है। बाय द वे इन्वर्टर भी लगवा लिया है मैंने। तो गाइस बस आपने क्या करना है, इस तरह सपोर्ट करना है और मैं ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूंगा। और आपने देखा होगा मैं फालतू की एप्स वगैरह को प्रमोट भी नहीं करता हूँ, नहीं तो मैं काफ़ी अच्छे नहीं कर सकता। मेरे पास आते हैं, देखो इतने व्यूज़ आ रहे हैं ना, इतने मस्त मस्त आते हैं वो वाले, वही ट्रेडिंग वाले, बट मैं नहीं लेता हूँ। मैंने बोला है मम्मी और पापा को कि मैं नहीं लूँगा, मैं अच्छा, हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे थोड़ा कम कमा लेंगे, लेकिन तो इसलिए सपोर्ट करते रहना गाइस। और बस क्यों हो करम, क्या होता है करम, अच्छे करम, करम ये है कि उसके बाल ऐसे काटने, कभी ऐसे काटने, करम वो है इसके। व्हाट इज दिस, कुछ अनचीज बात की, बड़े पापा की होगी इस बाल पर, बार ऐसे करी होगी। ये हमारा पीयूष है, वेरी नाइस बॉय, वेरी नाइस बॉय। अभी थप्पड़ मारा था हमारा बचपन देखता ना, तो हमारा बचपन मम्मी इतना एक दिन पापा ने मेरे को हाथ पैरों से बांध दिया था, रस्सी से बांध दिया, रस्सी से इसको मैं हाथ पैर उल्टा ऐसे बांध के इसको तो चारपाई के नीचे डाल देते थे, चारपाई के नीचे पड़ा रहता था। जिद्दी इतना था, मैं कहती सॉरी कर दे, सॉरी नहीं करता था, इसने शिकायत रहा इसको, सॉरी नहीं करता था यार। अरे सॉरी कर दे, कहानी बताना एक बार, अब मेरे से कहना तू खोलेगी तो देख लेना, तू खोले, अब मैंने भी नहीं खोलना, और सॉरी कर देगा तो सॉरी करता नहीं, घर से बाहर निकाल देते थे कई बार, सॉरी नहीं करता। आज सुबह से नो ड्राइंग, बिकॉज मार्केट काम में बहुत ज्यादा बिजी था, बैंक के काम थे और भी काफ़ी काम थे, तो अभी 4:30 हो चुके हैं, बाकी मम्मी भी यहीं, अम्मा भी यहीं, और पीयूष ने रूम को सड़ा के ऐसा कर दिया ना मेरे स्टूडियो को, मतलब तू यहाँ मत आ भाई, तू मतलब पापा सड़ा के रख दिया इसने मेरा रूम, इससे क्या होगा, पवित्र हो जाएगा, सड़ा के रख दिया है पूरा, यहाँ भी मार दो। वो कह रहा तूने बाल क्यों कटवाए अपने, सड़ा के रख दिया, खा रहा है फिर नमकीन, मम्मी बात कर रही है वीडियो कॉल, और ये मत दियो, ये मिर्च वाली है, ये मत, खुद खुद नमकीन खा रहे गाइस, अम्मा को नहीं दे रहे, अम्मा के लिए मैं अलग से लाया हूँ बिना मिर्च वाली, तो ये है बेसन वाली अम्मा के लिए, तेरे लिए नहीं है, फालतू नहीं, फिर सड़ाएगा, लो अम्मा आपके लिए, आपकी फेवरेट। तू क्या कर रहे, बंद कर इसको, चाय गिर जाएगी, चाय दूर, चाय दूर। अम्मा कैसी लग रही है ये नमकीन, कैसी लग रही है, एक अधाई टकला, तुम मत खाओ, अम्मा के लिए लाया हूँ मैं वो, अम्मा कहेगी, अम्मा कहेगी लाया मेरे लिए था, खिला सबको रहा है, अम्मा दुखी हो जाएगी अगर किसी और ने खा लिया तो, तुमने खाया मैंने भी खा लिया बस, वापस करनी है और आपको दुखी नहीं देख सकते हम, आप छुपा लो इसको, मैं दुखी नहीं हूं। तो यही सीन है गाइस फिलहाल तो स्टूडियो का, मैंने आपको बता दिया कितना खर्चा है एंड ऑल, एंड काफी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे हो जाएगा ठीक, अभी तो मतलब वैसे ही सामान पड़ा हुआ है जैसे नीचे था, सारा बिखरा बिखरा रहता है, बट धीरे धीरे मैं ठीक कर लूंगा। तो गाइस पिछली वीडियो में जब मैंने हेयर कट कराया था अपना, तो इतने कमेंट आए कि अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे, वो तो मेरे को भी अच्छे लगे, पता नहीं कैसे काट दिए, हम क्या कर सकते, दोबारा तो चिपका सकते नहीं है,
ना साहिल को, ना बड़े मी को, ना बड़े पापा, किसी को पसंद नहीं आए। बड़े पापा खुद मेरी कटिंग करा रही है, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे, ये करा ये करा, आराम से बैठे थे, अपना अपनी वेटिंग कर रहे थे, मेरी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी, मतलब कुछ भी। लास्ट वीडियो में तो बड़े मी ने मेरे को इतना डांटा, इतना डांटा, आज के बाद मैं कराऊंगा ही नहीं ऐसी कटिंग। बस जयराम जी की सौदा की तरह बाल रख लेंगे अपने, और कोई चंपू कह रहा मेरे को, कोई झंडू कह रहा, ता नहीं क्या क्या कमेंट नहीं आए। तो किसी किसी को अच्छे लगे, किसी को लगे, मेरे को तो अच्छे नहीं लगे भाई। मैं तो अपने बड़े रखेंगे सौदा की तरह, बस सही। आगे सर्दियाँ भी आ रही, टोपी का काम करेंगे। और ओरियो कहीं से भी कुछ जा रहे हैं, यहाँ चार पाई में रख रहे हैं, यहाँ भी कुछ जा रहे हैं, नीचे भी चल जा रहे हैं। वो फिलहाल तो गाइस अभी बहुत गर्मी हो रही है, मेरे माथे में पूरा पसीना और दाने भी हो गए मेरे को, तो सौदा ऊपर आ गया। तो गाइस सौदा भी कर रहे हैं, KTM के शोरूम वाले को फ़ोन मैसेज कर रहे हैं कि हमारी ड्यूक कब तक आएगी। हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि कब हम खेलेंगे, घूमेंगे उसमें। तो गाइस हम यहाँ पर खड़े खड़े बहुत बोर हो चुके हैं, और यो भी अपना बैठा हुआ खेल नहीं रहा, तो हम बोर हो रहे हैं, तो हम जा रहे हैं बाहर आइसक्रीम खाने, ठंडा ठंडा खाने का मन भी कर रहा है हमारा। चलते हैं बाइक पे। सरदा ओ सरदा, शुभम अपनी पतंग उड़ाने की नाकाम कोशिश में कामयाब हो चुका है। तो अभी हम आ चुके हैं बाहर से, खाना पीना खा के बोरा पीयूष, तो काफ़ी सही लगा घूम के। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग था, और स्टूडियो के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया मैंने आपको। बाकी काफ़ी लोग बोल रहे थे अपने ऊपर वीडियो बनाओ, किस तरह सक्सेस मिली, क्या हुआ, वो मैं अभी नहीं बनाऊंगा, मैं 1 मिलियन पे ही बनाऊंगा कंप्लीट वीडियो पूरी फैमिली के साथ में, जो भी सीन है। काफ़ी लोगों से पता है मैंने पहले बनाई थी, बट वो चैनल चला गया था मेरे, दो व्लॉगिंग चैनल जा चुके हैं, ये मेरा थर्ड चैनल है। तो कंप्लीट मैं बताऊंगा एक वीडियो में। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल था, बट आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ गलती हो तो सॉरी गाइज, माफ़ कर देना, कमेंट कर बता देना, हम सुधार लेंगे। बस हम तो यही कर सकते हैं गाइज, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता, हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, सीख रहे हैं। और बस मिलते हैं गाइज जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stayed, I'm a pretty boss, look on my shit bright white.